क्या विराट कोहली वेस्टइंडीज में खत्म करेंगे 7 साल का वनवास। स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में और मैं हूं आपका अपना दिव्यांशु जायसवाल। विराट कोहली एक ऐसा बड़ा नाम जिसने लगभग हर देश में जाकर उनके खिलाफ शतक लगाया है, रन बनाए हैं और मॉडर्न डे मास्टर है। गोट की लिस्ट में इनका नाम आता है और विराट कोहली का जो बल्ला है वो पिछले कुछ समय से अच्छा चल रहा है, चाहे बात करें वनडे में, चाहे बात करें T20 में, IPL में, टेस्ट में भी उतना अच्छा तो नहीं बट ठीक ठाक अगर कहें तो चल रहा है, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर में उनका शतक आया था, WTC फाइनल में 49 रन आए थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि विराट का बल्ला फिर से अपने ट्रैक पर आ चुका है। बट अभी भी रेड बॉल फॉर्मेट में अगर बात की जाए स्पेशली, तो वहाँ पर विराट को थोड़ा सा और ज़्यादा अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है और साथ ही ये मौका है वेस्टइंडीज़ में शतक बनाने का। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 7 साल का वनवास क्या है, तो भाई साहब 2016 में जब इंडिया ने वेस्टइंडीज़ का दौरा किया था, जब विराट कोहली उस टीम के कप्तान थे, वहाँ पर विराट ने बतौर कप्तान, बतौर प्लेयर अपना दोहरा शतक मारा था, 200 रन बनाए थे और वो शानदार 200 थे। और अभी भी विराट उस पारी के बारे में जिक्र करते हैं क्योंकि उन्होंने वो पारी सर विविन रिचर्ड्स के सामने खेली थी जिसमें उनको शाबाशी भी मिली थी। तो विराट के लिए एक स्पेशल मोमेंट था वो, और 2016 में वो शतक आया था। तो उसके बाद 2019 में भारत ने फिर से वेस्टइंडीज़ का दौरा किया, इस बार भी कप्तान थे विराट कोहली और इस बार विराट कोहली शतक नहीं बना पाए, 2 अर्धशतक बनाए थे बट बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो वो जो दौरा था 2019 का, वहाँ पर वो शतक लगाने से चूक गए। अब विराट फिर से जा रहे हैं 2023 में, तो यहाँ पर विराट चाहेंगे जो पिछले 7 साल पहले जो कारनामा उन्होंने किया था, 2016 में दोहरा शतक जमाया था, उसके बाद से विराट का वेस्टइंडीज़ में कोई शतक नहीं आया। तो विराट इस बार उम्मीद करेंगे, विराट इस बार ट्राई करेंगे कि यार शतक जमा कर आए, क्योंकि शायद ये विराट का आखिरी वेस्टइंडीज़ दौरा हो सकता है, क्योंकि इसके बाद लगभग 3 से 4 साल में टीम इंडिया दौरा करेगी और तब तक विराट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो किसी को भी नहीं पता, खुद विराट को भी नहीं पता। तो विराट चाहेंगे कि अगर ये आखिरी टूर है तो उसे मेमोरेबल बनाया जाए और यहाँ पर शतक लगाया जाए और ये जो 7 साल का वनवास है 2016 से लेकर 2023 तक का, उसे ख़त्म किया जाए। अब आपको क्या लगता है, क्या विराट इस दौरे पर शतक बना पाएंगे? 2 टेस्ट हैं, 4 पारियां हैं, क्या 4 पारियों में विराट 1 शतक लगा पाएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।